अक्षर है ना अपने के लिए भेस बराबर है मैडम पर देखो ना आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है क्रिएट मतलब जो आपकी खून की गंदगी है वो बढ़ रही है आपका जो किडनी है वो फेलियर में गया है किडनी मैडम किसकी किडनी जैसे सिर्फ बोलो बोलो ना लास्ट में क्या क्या कह रहे थे हम लोग क्या बात कर रहे ना बाहर चले जाओ हां मैडम इधर अलाउड नहीं है ऐसा अभी हमेशा मेरे साथ ऐसे करते अभी बोलो क्या हुआ आपके खून की जो गंदगी है वो बढ़ रही है और आपके बॉडी का जो पानी है वो ठीक से बाहर नहीं जा रहा आपके यूरिन ठीक से नहीं हो रही है तो हो रहा है बट कम हो रहा है अभी मैंने देखा थोड़ा तो उसके लिए एक तो ट्रांसप्लांट और एक तो डायलिसिस ये दो ऑप्शन है लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत टाइम लगेगा तो अभी अभी डायलिसिस करना इमरजेंसी जरूरी है आपको इधर एक कैथेटर डालना पड़ेगा करके देखेंगे उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट क्या आते हैं वो देखेंगे उसके बाद फिर आपका आगे का जो कुछ है और ये सब आप लोगों की वजह से और डॉक्टर्स की वजह से पॉसिबल हो सका है आप इनका केयर कीजिए जी सर चलो बाय बाय क्या है कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक लोग कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट ये आयुर्वेदिक का तो समझा बट अपने वो इंटरेस्ट नहीं है बट ये ट्रांसप्लांट अपने को नहीं समझा किस चिड़िया का नाम है ये ट्रांसप्लांट क्या है पता है थ्री टाइप से होता है फर्स्ट है लाइव किडनी डोनर ट्रांसप्लांट जिसमें आपके ब्लड रिलेशन वाले या तो आपकी पति पत्नी आपको किडनी दे सकती है सेकंड है कैडेवर डोनर ट्रांसप्लांट जिसमें अभी डेड हुए पेशेंट की किडनी निकाल के उनके फैमिली पर्सन से किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को प्रायोरिटी के हिसाब से दी जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन आप किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हो जहाँ कैडेवर डोनर ट्रांसप्लांट होता है थर्ड है स्वैप ट्रांसप्लांट जो कि अस्त्र यानी कि एपेक्स स्वैप ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री के नाम से सुश्रुत हॉस्पिटल में डॉक्टर गणेश के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ फैमिली पेयर एक्सचेंज होता है जो कि कम्प्लीटली लीगल है और जिसका प्रोसीजर लाइव डोनर की तरह ही होता है देखो मैडम आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई अपने को पसंद आया बाकी अपन इसके बारे में सोचते हैं अभी थोड़ा लिव लाइफ लेट गिव लाइफ